बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक पठान ने दूसरे दिन 70 करोड़ का बिजनेस किया। शाहरुख खान की पठान ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले दिन फिल्म ने 57 करोड़ का कलेक्शन किया, दूसरे दिन इसमें इजाफा हुआ और फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक पठान ने दूसरे दिन भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जहां फिल्म इतनी चल रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स जो फिल्म का विरोध करने गया था, फ्री में टिकट मिली तो वो भी फिल्म देखने लगा। फर्स्ट हाफ तो उसने गुस्से में विरोध की वजह से देखा, लेकिन उसे फिल्म इतनी पसंद आई कि वो सेकंड हाफ में इमोशनल हो गया और शाहरुख खान के मुंह से जय हिंद सुनकर गूजबम्स आ गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें बिहार का एक शख्स कहता है कि उसने पहले गुस्से में ये फिल्म देखी, इसलिए उसे फर्स्ट हाफ में मजा नहीं आया। अब वो ये फिल्म दोबारा देखना चाहता है एंटरटेनमेंट के लिए, और वो सब जो उसने गुस्से में मिस कर दिया, इस बार वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहता है। कहा, पहले विरोध में देखा, अब समर्थन में देखेगा। इतना ही नहीं, उसने पठान की टी शर्ट भी पहन ली। पठान कलेक्शन। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। भारत में ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन हिंदी में 55 करोड़ की ओपनिंग की, वहीं तमिल तेलुगु का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए रहा। फिल्म ने अब तक रिलीज हुई सारी इंडियन फिल्मों का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम बिगड़ चुका है और कुछ नहीं, पठान इज बैक आफ्टर 4 इयर्स एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिज मूवी। जस्ट मौसम बिगड़ चुका है, कुर्सी की पेटी बांध रैली की है, सेलिब्रेशन की है, एक्साइटमेंट, हमने कुर्सी की पेटी बांध ली है। अभी मौसम पता चल गया कि बिगड़ चुका है, सो हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए अंदर क्या होने वाला है। हमारी शान तुम ही हो, हमारे भगवान चाहेंगे तुमको तब तक इस सांस में, इस जिंदगी में, जब तक है जान, जब तक है। बैक 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 और बॉयकॉट गैंग। खैर, पठान का दबदबा बॉलीवुड में बना हुआ है। आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी सारी एंटरटेनमेंट जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।